सर बनाए कि एक अच्छी और बेहतरीन फिल्म एक बार फिर दर्शकों के बीच लेके आ रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बड़ा मेरा प्यार। ये आप लोग का आशीर्वाद से मैंने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, लेकिन जब आप लोग देखेंगे इसको तब मेरा मेहनत सफल होगा। अमूमन आपने अब तक जितनी भी भोजपुरी फिल्में बनाई सब हिट ही रही है, ऐसा क्या आप दिमाग में रखते हैं कि वो सब्जेक्ट लेके आते हैं जिसे पब्लिक को बस अच्छी ही लगती है फिल्म? देखिए, सिनेमा 1 to 10 में आता है, दुनिया का सबसे टफ काम है, इतना इजी नहीं होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों का मनोरंजन करें और एक अच्छी सिनेमा बनाएं कि लोग उसको जाकर देखें। और मेरी भी बहुत सारी फिल्में हिट है और कुछ फिल्में हमारी बहुत अच्छी हिट नहीं हुई, शायद दर्शकों को पसंद नहीं आई होगी। तो कोशिश हम लोग करते हैं, और हिट और फ्लॉप जो भी चीज़ें हैं वो तो दर्शक के हाथ में है, वो हम लोग के हाथ में नहीं। हम लोग काम है प्रयास करना, कोशिश करना, तो हमेशा मैं करता रहता हूँ और लोग उसको पसंद करते हैं, अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आपकी फिल्मों में चीज़ और देखने को मिलता है कि इंडिया के साथ साथ नेपाल की हरी भरी वादियाँ भी दिखाते हैं, तो क्या खास वजह है कि आप नेपाल जरूर फिल्म शूट करते हैं? देखिए, हमारे भोजपुरी में बजट होता है बहुत कम, हम लोग की भी चॉइस होती है कि हम लोग जाके शूट करें आपको कश्मीर में या स्विट्ज़रलैंड जाए या लंदन जाए, लेकिन हमारे भोजपुरी में बजट नहीं होता कि हम लोग वहाँ जा सकें। तो मैं सोचता हूँ कि चलो, नेपाल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम दर्शक को एक अच्छा मतलब लोकेशन दिखा सकते हैं और उनका एंटरटेन कर सकते हैं, इसलिए नेपाल और ख़ासकर मेरा जो टेक्निकल टीम होता है, चूँकि हमने सब वहीं से सीखा है, नेपाल से ही फिल्म लाइन में हमने कदम रखा है, तो झारखंड और नेपाल और अच्छा लगता है, तो वहाँ जाकर हम लोग शूट करते हैं कि ऑडियंस जो है लोकेशन से भी अपना एंटरटेनमेंट करें। अब बात करें जो फिल्म आज फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है, रोमियो राजा, उसके बारे में बताना चाहें खास क्या होगा, नीरव को एक अलग किरदार में पेश करने के लिए कैसे राजी कर लिया? देखिए, अभी बहुत सारी फिल्में दिनेश जी की आ रही है, दिनेश जी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हस्ती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, और उनके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है, और भी बहुत सारे हमारे स्टार हैं जिनके वजह से चल रही है, लेकिन खासकर दिनेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी हम लोग देखते हैं कि हिंदी फिल्में भी कुछ लीक से हट के बन रही है, मतलब वो पहले वाला रिवेंज लेना, मारना, काटना, पीटना, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। अब बिल्कुल नेचुरल चीज़ें ऑडियंस मतलब चाहती है कि हमको दिखे और हम इससे जुड़ जाएँ। तो हमने भी सोचा कि भोजपुरी में भी क्यों हम पहले ही पुरानी परंपराओं को अपनाएं कि हीरो गरीब होता है, हीरोइन अमीर होती है, या विलेन हीरोइन को पसंद करता है, हीरो उसके पीछे लगा रहता है और लास्ट में विलेन लास्ट में जाके मर जाता है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को मैंने इससे हटाया। जैसे शेर हिंदुस्तान में भी मेरा कुछ था कि भाई परमाणु बम अणु बम क्या है, अगर उसका विस्फोट हो तो देश दुनिया को कितनी नुकसान पहुँचेगी। तो हमने एक सोशल समाज से जुड़ा हुआ, चूँकि हम जहाँ भी जाते हैं सरकारी स्कूल में देखते हैं कि बच्चे के पास कपड़े नहीं है, सरकार इतना सारा फैसिलिटीज़ दे रहा है, उसके बावजूद उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, खाने का, उसको रहने का, पढ़ने का, बुक्स, बैग, सारा चीज़, साइकिल, सब कुछ मिल रहा है। तो लोग का झुकाव उधर क्यों नहीं है, जबकि हमारे देश में 80% लोग तो गरीब ही हैं। तो उस चीज़ को हमने गहराई में जाकर देखा, तो मैंने दिनेश जी को बोला कि सर, ऐसी सी प्रॉब्लम है, समस्या है, और इस कैरेक्टर को आप ही को करना है कि आप प्राइवेट स्कूल को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो उन्होंने सब्जेक्ट को सुना और उनको अच्छा लगा, बोले कि मैं बिल्कुल करूँगा, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। और मुझे लगता है कि समाज में भी लोगों को ये चीज़ मैसेज जाएगी कि पैसे से हम घर बना सकते हैं, दौलत खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो लाखों बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है उसके आगे पैसों का कोई काम नहीं है। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा दिनेश जी के साथ काम करके, वो माने इस पर काम करने के लिए। एजुकेशन जो मुद्दा है वो कैसे आपके जहन पे आया कि इसी सब्जेक्ट पे एक फिल्म बनाना चाहिए? देखिए, हमारे समाज में, हमारे बिहार, चूँकि मैं बिहार से रहने वाला हूँ, और बिहार में और यूपी में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स जो हैं सरकारी स्कूल के, सरकार से तलब लेता है, कभी कभी तो क्या होता है कि कोई किसी की वाइफ है जो वहाँ पर अपॉइंटमेंट की हुई है, ली हुई है, और उसके जगह पे उसके हस्बैंड पढ़ाने चले जाते हैं, कभी क्या होता है कि कोई टीचर है मैथ का, वो हाजिरी बनाता है और अमीन का काम करने चला जाता है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या?
तो वो सब चीज़ें हमने देखा बिहार में, चाहे बचपन से ही हम लोग भी देख रहे हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा इस तरह का हो गया है, जो टीचर्स है लेडीज़ वो आकर के बैठ के स्वेटर बिनती है क्लास में, बच्चों से पापड़ बनवाती है। तो ये सब चीज़ मुझे दिखा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी गंदगी है। हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है, चाहे हमारे देश का जो लोगों का सोच है, वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो उस तरह के टीचर्स को एक मैसेज देने के लिए कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा तुम मत करो, और इसमें दिनेश जी बहुत कॉपरेट किए और बहुत अच्छा किए। देखिए हीरोइन ही नहीं है बल्कि हीरो है हमारी फिल्म की, और मैंने भी इसमें एक छोटा सा किरदार किया है, हेडमास्टर का सरकारी स्कूल का, और वो मेरी बेटी होती है और बहुत बड़े पोस्ट पे काम करती है दिल्ली में, लेकिन यहाँ जब आकर के देखती है कि मैं टीचर्स से, सरकारी टीचर से मैं कितना प्रॉब्लम में हूँ, तो वो सोचती है कि मैं सिर्फ अपना भविष्य बना रही हूँ तो क्यों नहीं मैं आपके साथ भी स्कूल में पढ़ाऊँ बच्चों को और उनका भविष्य बनाऊँ, तो वो उसके लिए ज्वाइन होती है। लेकिन दिनेश जी जो हमारे फिल्म के विलेन हैं, वो काफ़ी जगह पे उनको डिस्टर्ब करते हैं, और चूँकि दिनेश जी इस फिल्म में एक अनपढ़ गंवार का कैरेक्टर किए हैं, और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की होती है, MBA की हुई लड़की होती है, तो एक अनपढ़ और एक पढ़ी लिखी लड़की का जो टशन है इसमें दोनों जो चलता है, वो बड़ा मज़ा आता है। तो अम्रपाली जी इस मैसेज को बहुत दूर तक लेकर जाती है, और उसमें दिनेश जी भी सुधरते हैं, अवधेश मिश्रा सुधरते हैं, मनोज टाइगर सुधर जाते हैं, और ये लोग रियलाइज़ करते हैं कि सही बात है कि हमारे बच्चे के साथ अगर ऐसा होगा तो हम कैसे जी पाएंगे, तो फिर दूसरे के बच्चे भी हमारे बच्चे जैसे हैं, उनको पूरी तरह से हेल्प करनी चाहिए, और ये लोग पूरा हेल्प करते हैं फिर अंत में जाकर। देखिए फिलहाल तो हम लोग की जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, हम लोगों को उसके लिए सोचना चाहिए, जितने भी मेकर्स हैं भोजपुरी के, कि हम किस तरह से एक अच्छी फिल्म दर्शकों को अट्रैक्ट करें और उसको हॉल तक खींच कर लाए, जो सिनेमा हॉल बंद हो रहा है, जो लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बिल्कुल बोलते हैं वल्गर है, ये है वो है, जबकि भोजपुरी से ज़्यादा वल्गर तो हिंदी फिल्में आ रही है, उन्हें कुछ नहीं कोई बोलता है। अभी तो हमारी भोजपुरी फिल्म बिल्कुल साफ़ सुथरी बनने शुरू हो गई है। तो गवर्नमेंट से सहयोग तो हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले तो हम लोग सोच रहे पहले हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो बैठी हुई है पहले उठे। देखिए हम लोगों ने होली अनाउंस किया हुआ है, और हम लोग कोशिश करेंगे होली में पिक्चर आए, चूँकि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी मूवी बनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इसको देखें और इस फिल्म से फ़ायदा भी उठाए, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक पुशअप मिले कि नहीं भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अब हमारे हिंदी जैसी फिल्में बनने लगी है। तो उसके लिए दर्शकों का प्यार चाहिए। होली एक छुट्टी का टाइम होता है, लगभग सारे लोग फिल्म देखते हैं, तो हम लोग ने इस टाइम को चूज किया है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जो आपका सब्जेक्ट है उस पे जो इन्वेस्टमेंट होता है फिल्म के निर्माण उसके बारे में, देखिए हमारी भोजपुरी की एक रिकवरी बड़ा फिक्स हो गई है, और लगभग हमको लगता है कि भोजपुरी से बहुत सारे लोग कमा नहीं पाते हैं, और हम लोग इसमें मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, कि वो लोग भी इसमें आए सामने और कुछ कोऑपरेट करें दर्शकों और ये सॉरी निर्माता निर्देशक को, कि वो एक अच्छी मूवी बना सके और कम बजट में बना सके। तो मुझे लगता है कि लगभग सारे लोग कमाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर बहुत खुश हैं, क्योंकि वो एक जो सपना लेकर आए हैं कि भाई मैं एक अच्छी फिल्म बना के दिखाऊंगा भोजपुरी में, कि हम लोग किसी हिंदी वाले से या किसी बॉलीवुड से हम लोग कम नहीं हैं, तो अच्छा लगा उनको। एक बजट में फिल्म बनी है, ऐसा कोई बजट एक्सीड नहीं हुआ, आर्टिस्टों ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए बजट में है पिक्चर। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारी इस फिल्म को देखिए, जैसे आपने मेरी बाकी फिल्मों को आपने इतना प्यार सम्मान दिया है, उस हिसाब से इस फिल्म को भी आप उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही आशीर्वाद दीजिए। ये आपका भाई तब खड़ा होगा, हमारी इंडस्ट्री तब खड़ा होगा, जब आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका सहयोग मिलेगा, और आप फिल्म जाकर हॉल में बैठकर देखेंगे। थैंक यू सब किसी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।